नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चंदन जीके ग्रुप में। आज दिनांक 18 मई 2020 है और आज की करंट अफेयर्स की वीडियो आपके सामने है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। आज की करंट अफेयर्स की PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सभी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। किशनगंज जीके ग्रुप के टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में ब्रिटेन के किस यूनिवर्सिटी के द्वारा कोरोना वैक्सीन के बनाने के लिए बंदरों पर ट्रायल के नतीजे सकारात्मक प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बंदरों पर ट्रायल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। तो बात करते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। इसकी स्थापना 1096 में हुई, करीब करीब 924 वर्ष पहले। इसका मुख्यालय लंदन यूके में है और इसके वर्तमान कुलपति लुइसे रिचर्डसन है। अब बात करते हैं इन शोधकर्ताओं पे। यह संस्था यूरोप की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। यह प्रयोग 6 बंदरों के समूह पर किया जा रहा है जिसपे नतीजा कोरोना वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए प्रभावकारी रूप में एंटीबॉडी किस तरह विकसित किया जा रहा है इस पर शोध किया जा रहा है। एंटीबायोटिक कुछ बंदरों में 14 दिन में बनने लगा जबकि कुछ बंदरों में 28 दिन में सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगा। दोस्तों, इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स, 100 कमेंट्स और 100 शेयर का, ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से वीडियो को बना सकूं, अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ला सकूं ताकि आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी बेस्ट तरीके से हो। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लें। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा का कानून रद्द करने के आदेश को रोक लगा दिया है? इसका आंसर है गुजरात के कानून मंत्री पे। गुजरात के कानून मंत्री के चुनाव को रद्द किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो बात करते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, राजधानी गांधीनगर है। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ जस्टिस मोहन एस शांतनागौदर, जस्टिस सुभाष रेड्डी के द्वारा संयुक्त रूप से इसको रद्द किया गया है। इनके प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के अश्विनी राठौर के अपील को रद्द किया है एवं इस अपील के लिए इनको नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कोरोना संकट के बीच विश्व बैंक ने भारत को कितने करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा किया है? इसका आंसर है 7500 करोड़ रुपए। ये घोषणा विश्व बैंक ने किया है। तो बात करते हैं विश्व बैंक की। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। विश्व बैंक के वर्तमान सदस्य देश 189 है और वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। ये सहायता राशि 7500 करोड़ रुपए है जो कि विश्व बैंक के द्वारा घोषणा किए गए और यह ऋण भारत को मिलेगा। इस ऋण का मेन उद्देश्य और मेन कार्य कोरोना वायरस रोगियों को बेहतर जांच, अस्पताल एवं लेबोरेटरी को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए इस ऋण का उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसके रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी से वैश्विक अर्थव्यवस्था में 8,800 अरब डॉलर का नुकसान होगा? इसका आंसर ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये रिपोर्ट ADB ने जारी की है। तो बात करते हैं ADB की। ADB का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, हिंदी में एशियाई विकास बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और वर्तमान सदस्य देश 68 है। ADB के वर्तमान अध्यक्ष मत्सुगो अस्कावा जी हैं। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में 8,800 अरब डॉलर का नुकसान होगा जिसमें से दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था में 142 अरब से 218 अरब डॉलर का नुकसान होने की संभावना जताई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लावा ने चीन से पूरे मोबाइल R&D बाजार के लिए डिजाइन और विनिर्माण को कितने महीने में भारत लाने की घोषणा की है? इसका आंसर है 6 महीने में। अब यह घोषणा लावा कंपनी ने की है। तो बात करते हैं लावा मोबाइल कंपनी की। इसकी स्थापना 2009 में हुई। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसके संस्थापक हरिओम राय, शैलेंद्र नाथ राय, सुनील भत्रा, विशाल सिंगल हैं। इसके वर्तमान CEO सुनील सिंगल हैं। अब बात करते हैं लावा कंपनी। लावा कंपनी ने भारत में 5 साल के अंदर 800 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है।
अब यह कंपनी 6 महीने के अंदर इंडियन प्लांट लगाने के लिए चीन से पूरे मोबाइल R&D निर्यात बाजार के लिए डिजाइन और विनिर्माण भारत लाने की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है? इसका आंसर है 4000 करोड़ रुपए। अब यह घोषणा वित्त मंत्रालय के द्वारा की गई, तो बात करते हैं वित्त मंत्रालय की। वित्त मंत्रालय की स्थापना 29 अक्टूबर 1946 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। वित्त मंत्रालय में 4 विभाग होते हैं। पहला राजस्व विभाग, दूसरा व्यय विभाग, तीसरा आर्थिक मामलों का विभाग, चौथा वित्तीय सेवाओं का विभाग। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। अब बात करते हैं ये हर्बल पौधा क्या होता है। ये इस हर्बल पौधे का उपयोग आयुर्वेद और दवा बनाने के लिए किया जाता है और इसी को बढ़ावा देने के लिए ये आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है, जिससे किसान हर्बल पौधों का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करें और आयुर्वेद और दवाइयों में इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग और सस्ती दवाओं का उपयोग किया जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 17 मई। अब बात करते हैं विश्व दूर संचार दिवस। ये हर साल 17 मई को मनाया जाता है। यह दिवस मनाया जाता है 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की स्थापना की स्मृति में विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार 1969 को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मेन उद्देश्य लोगों के बीच इंटरनेट और नए प्रौद्योगिकी से सामाजिक परिवर्तन की वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देना। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जाता है। तो बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र के महानिदेशक एंटोनियो गुटेरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री नेशनल टीच ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? इसका आंसर है ब्राजील देश के स्वास्थ्य मंत्री ने। अब बात करते हैं ब्राजील की। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। वहाँ की मुद्रा रियल है। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो हैं और स्वास्थ्य मंत्री नेशनल टीच हैं। अब बात करते हैं इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो से मतभेद के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। अभी हाल ही में जेयर बोल्सोनारो ने कोरोना वायरस पर मलेरिया रोधी दवाओं के उपयोग के लिए नई गाइडलाइन जारी की, इस गाइडलाइन के अनुसार इसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली, जिसके कारण इनके बीच में मतभेद हुआ और टीच ने इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने चीन को कोरोना वायरस प्रकोप के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए 18 सूत्री योजनाओं की पेशकश की है? इसका आंसर है अमेरिका देश ने। 18 सूत्री योजनाओं की पेशकश अमेरिका ने की है। तो बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC, अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाली रेखा 49AV समांतर रेखा है, जिसको 49 पैरेलल रेखा भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे याद कर लें। अब बात करते हैं इस योजना में। इस योजना में चीन ने खराब मंशा से बातों को छिपाया है और कोरोना महामारी को वैश्विक स्तर पर फैलाने में मदद की है, जिसके कारण इस पर 18 सूत्री योजनाओं की पेशकश अमेरिका ने की है। अमेरिका में अभी तक कोरोना संक्रमित मरीज करीब करीब 15 लाख के ऊपर हैं और कोरोना से मरने वालों की संख्या 90,000 के करीब हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश की राजकुमारी मारिया गल्टीजाइन का निधन हुआ है? इसका आंसर है ऑस्ट्रिया। अब ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, तो बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की मुद्रा यूरो, ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डे वेलन है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मारिया गल्टीजाइन का निधन हुआ। इनके देहांत का कारण है दिल के दौरा पड़ने से। इनकी उम्र 31 वर्ष थी। शादी 2017 में भारतीय मूल के शेफ ऋषि रूप सिंह से की थी, जिसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कारखानों में काम करने की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी है? इसका आंसर मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान जी ने। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अब बात करते हैं इस घोषणा की। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है।
इसका मेन उद्देश्य औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर को वृद्धि एवं नए निवेश को प्रोत्साहित करना। ये समय अवधि बढ़ाने का मेन उद्देश्य कारखानों, दुकानदारों, ठेकेदारों एवं बीड़ी निर्माता को उद्योग खोलने के लिए पंजीनीय और लाइसेंस का कार्य 30 दिन के स्थान पर एक दिन में कार्य कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा? इसका आंसर है 22 मई। अब बात करते हैं वंदे भारत अभियान, यह भारत सरकार के भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया गया जा रहा है। तो बात करते हैं भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना का आदर्श वाक नव स्पृश दीप्तम है। सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। अब बात करते हैं वंदे भारत मिशन, ये एयर इंडिया के भी द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें पहला चरण 7 मई से 14 मई तक किया गया था, दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक किया जाएगा, जिसमें 149 एयर इंडिया की विमानों 31 देशों में 30,000 भारतीयों को रेस्क्यू करके अपने देश वापस लाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मारित स्मृति योजना की शुरुआत की थी? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल सरकार ने। इस योजना के अंतर्गत 50,000 एकड़ जमीन को बागवानी एवं मत्स्य पालन के लिए प्रयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन, हाल ही में किसने आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? आपके पास चार ऑप्शन है, सही ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ लिखें। जब भी किसी सब्जेक्ट को या फिर किसी क्वेश्चन को लिख कर याद करते हैं तो लंबे समय तक याद रहता है, तो मेरा एक ही एडवाइस है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े तो एक बार उसे लिख कर जरूर याद करें। ये रहे आज के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। मुझे पूरा भरोसा है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसीलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। आपको एक काम करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना है, कमेंट्स करना है। मैं इस वीडियो को काफ़ी मेहनत से बनाता हूँ, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे बेल आइकन को किसी भी तरीके से दबा दें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। तो मिलते हैं कल के करेंट अफेयर्स के वीडियो के साथ।